नमस्कार दोस्तों, मैं आज कुछ मैं दवाई का रिव्यू बताना चाहता हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ पतंजलि का। या आप देख सकते हैं विष्टुंदक बाटी, बाद में दूसरा है लक्षदी गोकुलू, योगराज गोकुलू। फ्रेंड्स, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मुझे पहले तो मैं बता लेता हूँ, मेरे बारे में बता लेता हूँ। मेरा उम्र है 24। मैं आज 2 साल हो गया है, जैसा मेरा ये राइट साइड में कमर से लेकर पैर तक दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नामनेस होता है, 5 मिनट भी खड़ा रह नहीं सकता हूँ, और चलना तो मैं थोड़ा दूर भी नहीं चल सकता हूँ, बहुत पेन होता है। ऐसा होता है कहीं पे भी जाने के लिए भी सोचो तो जाते ही मैं बीच में कहीं पे कहीं बैठना पड़ता है, मुझे चलने के लिए हिम्मत नहीं होता है, बहुत 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 ज़्यादा परेशानी हो रहा है। फिर क्या करेगा, दवाई बहुत मेरा भी नहीं किया, दवाई भी बहुत कुछ खाया, मेडिकल का एलोपैथिक मेडिसिन, जिसमें मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला है, प्लस उसके साथ मुझे बहुत सारा साइड इफेक्ट मिल रहा था। बाद में मैं थोड़ा पतंजलि का भी आइटम सोचा ट्राई कर लूँ इसका भी, तो मैं ट्राई किया है इसको योगराज गोकुलू और बाद में लक्षदी गोकुलू, बाद में विष्टुंदक बाटी, ये 3 मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिल रहा है लेकिन कॉम्प्लीटली क्योर नहीं हो रहा है, कॉम्प्लीट क्योर नहीं हो रहा है, बस थोड़ा जस्ट पेन को जस्ट थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, उतना ही बस। ऐसा दवाई तो मिल नहीं रहा है जिससे कि आप मुझे पूरी तरह से ठीक हो सके, बट अगर किसी को ऐसा टाइप जैसा मैं बोला, मुझे ऐसा नमनेस होता है एक साइड पे, बस कमर से पैर तक ही दर्द है, दूसरा जगह में कोई भी जगह में नहीं है, बस उतना में ही दर्द है, ऐसा किसी को दर्द है तो वो इसको इस्तेमाल करके देख सकता है, उसको थोड़ा राहत मिलेगा, मतलब थोड़ा डेली लाइफ में थोड़ा उसको शांति मिलेगा। मुझे थोड़ा अभी सुकून है, इसके लिए मैं सजेस्ट करता है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ सवाल है तो कुछ पूछना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया और थैंक यू।